यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज है 48। चलिए दोस्तों इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपके इंडेक्स फिंगर को देखें तो ये रिंग फिंगर से बड़ी है। ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए कि लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, उनके थ्रू किसी काम को करवाना है, लोगों की हेल्प के थ्रू कोई काम हो जाए, किसी भी काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बखूबी जानते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि आपके अंदर इस चीज़ का अहम भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ईगोस्टिक हो जाएंगे, अहमी हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बारंबार आपकी बात काटेगा, नहीं मानेगा, आपके सामने अपनी चलाएगा, तो यह बात आपको काफ़ी जल्दी चुभने लगेगी, बुरी लगने लगेगी। इस प्रकार की भी चीज़ें यहाँ से दिखती हुई नज़र आ पा रही हैं। अगर आपका मर्क्यूरी माउंट देखा जाए तो मर्क्यूरी माउंट आपका नॉर्मल है। यहाँ पर मुझे स्पष्ट इस प्रकार की रेखा नज़र आ रही है। पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की रेखा है तो काफ़ी अच्छी मानी गई है। ये ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बात को सही तरीके से कह पाने में सक्षम होते हैं, सही तर्क के साथ। दूसरा यह, आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में भी सक्षम हैं। आपकी मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए आपके साथ जल्दी ही फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं। आप जल्दी ही लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस आपका अच्छा रहने वाला होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो काफ़ी स्पष्ट, काफ़ी सुंदर रेखा है। सूर्य पर्वत की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ऐसे लोगों के पिता से संबंध अच्छे देखे गए हैं। सूर्य रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, सरकार से रिलेटेड अगर आप कुछ व्यवसाय करते हैं तो वहाँ बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। जैसे कि सरकारी टेंडर हो गया तो वहाँ आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। बाकी काफ़ी सुंदर ये सन माउंट है और इसके अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में जो आपको मान सम्मान चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वह आपको मिलने वाली रहेगी। काफ़ी अच्छी रेखा, काफ़ी अच्छा पर्वत। शनि पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है, फ्लैट है, तो करियर के रिलेटेड आपको संघर्ष भी बहुत करना पड़ेगा। देखिए, सफलता आपको मिल जाएगी इसमें, लेकिन उसके लिए संघर्ष भी आपको करना ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्लैट है और दूर से देखने पर ये दबे हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जीवन में कभी भी लोन और कर्ज मत लीजिएगा, शायद आपने लिया भी है। अगर आपने लोन और कर्ज की अगर आपको लोन और कर्ज की समस्या है तो हम आपको उसके रिलेटेड उपाय दे देंगे। दूसरा, करियर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मेहनत, अपार संघर्ष को भी दर्शा रहा है, क्योंकि आपके रोजगार के ही कारक हैं, तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं मेहनत भी अधिक करनी ही पड़ेगी। जुपिटर माउंट की तरफ देखा जाए तो जुपिटर माउंट आपके शिफ्ट हो गए शनि पर्वत की तरफ। ये अच्छी स्थिति नहीं है, जो उभार यहाँ होना चाहिए था वो शिफ्ट हो गया शनि पर्वत की तरफ। देखिए, जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो दिखाती है कि आप परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन आप थोड़े से भौतिकवादी भी हैं, सेल्फिश नेचर को ये दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, शनि देव जो हैं या फिर शनि पर्वत जो है वो आपके कर्म के कारक हैं, तो आप अपने कर्मों को साफ रखिएगा। यदि आप अपने व्यवसाय अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हमेशा अपने फ़ायदे की सोचें, अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करते चले जाएं, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अगर इस प्रकार की कंडीशन रहेगी तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे, या फिर आप समझ सकते हैं दुष्परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने कर्मों को जितना ज़्यादा आप साफ रख सकें उतना ही रखिएगा। बाकी जुपिटर माउंट भी आपका वीक है, पारिवारिक समस्याएं देता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा साइन मुझे नज़र आ रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं हैं, पालमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इन सब की तरफ भी आपका ध्यान बना रहेगा और इन सब चीज़ों की तरफ आप आकर्षित भी होंगे। पूजा पाठ आप करें या फिर दान दर्शन से कार्य करें, लोगों का भला करें, गरीबों की मदद करें, चाहे डोनेशन करके करें, चैरिटी करें, चाहे अन्नदान करें, वस्त्रदान करें, आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। प्रॉपर जो रेमेडीज़ होंगी हम आपको व्हाट्सएप पर इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। आउटर मार्स आपका देखा जाए तो नॉर्मल है, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है,
जब जब आपके जीवन में कठिनाई आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आप उनको देखकर नहीं घबराएंगे, उनसे लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। मून माउंट भी आपका नॉर्मल है, मन साफ रहना, मन विचलित रहना, लेकिन डिसीजंस जो होंगे वो आपके बारंबार चेंज होते रहेंगे। जैसे कि आज आपने कुछ सोचा है तो 4 दिन बाद आपका डिसीजन चेंज भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मन आपका साफ ही रहेगा, विचारों में शुद्धता रहेगी। वीनस माउंट की तरफ देखा जाए तो वीनस माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्पष्ट है, सुख सुविधाओं की तरफ आपका ध्यान बना रहेगा, इन सब सुख सुविधाओं की चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित भी होगा। अगर हम यहाँ देखें इनर मार्स की तरफ, इनर मार्स आपका नॉर्मल है, फिजिकल एनर्जी स्टेमिना आपका नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर मुझे कुछ रेखाएं इस प्रकार से नजर आ रही हैं, ये रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं, सपोर्ट को दिखा रही हैं, जीवन रेखा के साथ चल रही है तो समझ सकते हैं सपोर्टिंग लाइन ही है ये। अब वो सपोर्ट चाहे आपको आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी से भी मिले, चाहे आपकी बहन जी से मिले, भाई से मिले, माता पिता से मिले, लाइफ पार्टनर से मिले, रिलेटिव हो, फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन सपोर्ट भी मिलेगा आपको। बाकी लाइफ लाइन की तरफ हम देखें तो लाइफ लाइन पर काफी सारे मुझे राहु रेखाओं के बाण नजर आ रहे हैं और ये बुढ़ापे तक भी आप समझ सकते हैं ये परेशानियां बनी रहेंगी, तो उपाय जरूर करने होंगे, स्टार्टिंग में भी हैं और अब भी चल रहे हैं, इसके लिए उपाय जरूर करने होंगे। जब जब ये जीवन रेखा पर वार करेंगी समस्या आएंगी ही आएंगी, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना रहे, तो इससे रिलेटेड आपको उपाय करने ही करने होंगे। यहाँ पर मुझे एक ऑफशूट भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी है, तो बुढ़ापे में अच्छी प्रॉपर्टी के मकान के योग भी हैं, करीब करीब 60s के बाद के योग हैं ये, अभी मकान से रिलेटेड अच्छे योग नहीं है। रेमेडीज अगर आप करते हैं तो 2 से 3 वर्षों के अंदर आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। फेट लाइन को अगर हम देखें तो फेट लाइन आपकी थोड़ी लेट चली है, लेकिन कोई बात नहीं, शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है। जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष किया हो आपने, लेकिन बुढ़ापा जो होगा आपका वो इस प्रकार का जाएगा कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल बनी रहेगी, आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइंड लाइन की तरफ हम चले तो माइंड लाइन आपकी जीवन रेखा से चली है और आप देखेंगे तो कर्व लेती हुई, प्रॉपर कर्व लेती हुई जा रही है, इस प्रकार से डगमगाती हुई, तो समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, लेकिन निर्णय बार बार चेंज होने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने आज कुछ सोचा है तो 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपका डिसीजन चेंज भी हो सकता है, तो ऐसी समस्या आती ही आती हैं। सबसे अच्छा उपाय इसका यही है कि सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह 15 मिनट योगा मेडिटेशन करने से काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। हार्ट लाइन की तरफ हम चलें तो हार्ड लाइन आप पर मुझे यहाँ पर परेशानी दिख रही है, देखिए यव की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर इस प्रकार का कुछ साइन है आपकी हार्ट लाइन टूटी है या फिर अस्त व्यस्त है, टूट टूट कर चल रही है तो समस्या आती ही आती है, या फिर यव की आकृति भी हो तो भी अच्छी नहीं तो भी है अच्छी नहीं मानी जाती है। हार्ट से रिलेटेड समस्या, बीपी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या जीवन में परेशान करती ही करती है बुढ़ापे में आकर, तो हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए, हो सके तो चीनी का सेवन कम कर दीजिएगा, सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए। शनि पर्वत से आपकी हार्ट लाइन चली है, आपके लिए आपकी फैमिली से ज्यादा आपका करियर और आपका काम महत्व रखता है, यह इस चीज को भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो बातें हैं आपकी वह आप उनको किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, काफी लिमिटेड फ्रेंड सर्कल को यह दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, जो बातें होंगी वो आपके मन में ही होंगी और अगर आप किसी को बताते भी हैं तो आपका ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है। आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट लेंथ तक नहीं पहुंच पा रही है, दिखा रही है कि टाइम के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, टाइम का मैनेजमेंट करने में दिक्कत और परेशानी आती है, चीजों को संभाल के रख पाना जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब में भी थोड़ी बहुत परेशानियां आती ही आती हैं। यदि आप इसका नेल्स बढ़ा लेते हैं तो फिर आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज की करनी होगी। आपके पाम में सूर्य रेखा काफी अच्छी है, सूर्य पर्वत भी काफी ज्यादा मजबूत रहा है, तो यहाँ से तो आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके पाल में पारिवारिक समस्याएं बनती हुई नजर आ रही है। जुपिटर वीक है आपका, काफी अच्छी कंडीशन इसकी नहीं है, राहु रेखाएं भी हैं तो ये भी समस्या आपको देंगी आगे जाकर, इससे भी आप इसके लिए भी आपको उपाय करने ही करने होंगे। तो बाकी शनि पर्वत दबे हुए हैं, देखिए शनि पर्वत के जो होते हैं उपाय तो होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट रेमेडी होती है इसकी वो यही है
क्योंकि आपके कर्म के कारक हैं, तो आप अपने कर्मों को साफ रखने की कोशिश कीजिएगा। रेमेडीज तो हम आपको देंगे ही देंगे, तो आपको जो उपाय करने हैं वो शनि पर्वत, जुपिटर से रिलेटेड, राहु रेखाओं से रिलेटेड करने हैं। पहले आप इन रेमेडीज को कीजिए। वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको शनि पर्वत, जुपिटर मंड, राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय बताए हैं। ये रेमेडीज जो होंगी आपको वो रोज करनी होंगी। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। जो अभी आपके डाउट्स और क्वेरीज रह गई हैं वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। सारी रेमेडीज हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, हम आपको एंड में सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।